बैठो बैठो। सनाया से पता चला था आंटी का, सुनकर बहुत अफसोस हुआ। रहा अम्मी के बाद घर घर नहीं लगता। ये तो है। खैर सनाया भी काफी दिनों से नहीं आई, रूटीन चेकअप भी नहीं करवाया। अच्छा हाँ वो बिजी है आजकल। अच्छा इनको मैंने कहीं देखा है शायद। ये रिफत आंटी के साथ भी एक मरतबा आ चुकी हैं। हाँ केयर टेकर थी उनकी शायद, इन्हीं को दिखाने लायो। हाँ एनी दैट्स सो स्वीट ऑफ यू अरम, तुम नौकरों का भी इतने अच्छे से ख्याल रखते ही हो। इज माय वाइफ, बीवी है मेरी। आई एम रियली सॉरी, मुझे आइडिया नहीं था कि केयर टेकर तुम्हारी वाइफ है। वेल बताओ क्या हुआ इन्हें, कुछ नहीं, चक्कर आ रहे हैं। कब से? आज सुबह से। हाँ ठीक है। अरहम आप जरा बाहर जाएं, मैं इनको चेक कर लेती हूँ। ठीक सब ठीक। घबराने की कोई बात नहीं है, बट यस शी इज गोइंग टू बी अ मदर। खैर मैं कुछ विटामिन्स लिख के दे रही हूँ, आप इनको वक्त पर देते रहिएगा। सोमे भाभी, यहाँ सब खैरियत? सब खैरियत होती तो हम यहाँ नहीं होते। अफसोस हुआ इस बात का है कि आपको इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चले, मैं आई एक मिनट। मैंने सोचा था कि खुशखबरी सबसे पहले मैं सनाया को सुनाऊंगी, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आपसे मुलाकात होगी तो आपको बता देती हूँ। मुबारकबाद दें मुझे, मैं अरहम को वो खुशी देने वाली हूँ जो एक फैमिली कंप्लीट करती है। मैं पूरे दिल से चाहती थी कि सनाया और मैं मिलकर रहें, लेकिन वो मुझे अरहम की जिंदगी और घर से निकालना चाहती थी। और अब तो उसका वापसी का रास्ता बिल्कुल ही साफ हो गया। आप मिठाई घर आकर खाएंगे या घर भिजवा दूं अपनी सौतन के हाथों? अरे अरम, तुम यहाँ? कैसे हैं आप? ऑल गुड, अल्लाह का शुक्र है। आज पेरेंट्स मीटिंग में भी नजर नहीं आए, सनाया भाभी अकेली थी। हाँ वो कुछ काम था, बिजी था मैं, इसलिए नहीं आ पाया। लगता है सनाया ने काफी खर्चा करवा लिया आज। नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं। वैसे सनाया भाभी बहुत सीधी और शरीफ हैं, जो एक केयर टेकर के साथ शॉपिंग की इजाज़त दे दी। एक्सक्यूज मी, बीवी हूँ इनकी। ओके और हमको तो एहसास ही नहीं रहा अपनी जिम्मेदारियों का।
कैसे लापरवाही कर दी बच्चों के मामले में, ध्यान ही नहीं दे पाई बच्चों पे। जी और हमसे बात करनी होगी। अरे हम आपने बहुत ज्यादा शॉपिंग कर लिया है, अभी तुम्हें पता भी नहीं बेटा है या बेटी। मुझे फर्क नहीं पड़ता बेटा हो या बेटी हो, मैं सिर्फ इतनी बात जानता हूँ कि हमारी फैमिली मुकम्मल हो गई। तुमने जो मुझे खुशी दी है उसके बाद तुम्हारी हर हसरत पूरी करना मेरा फर्ज है। अच्छा आंखें बंद करो। क्यों? मैं कह रहा हूँ आंखें बंद करो। अरे पर आंखें। ट्रस्ट मी आई एम योर हस्बैंड प्लीज। ओके। नो चीटिंग नो चीटिंग। आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा ना नो चीटिंग। अरे ये तो वही चेन है। हाँ ये वही चेन। आपने कहाँ देखी? वो शौहर ही गया जो अपनी बीवी की ख्वाहिशों पर नजर ना रखे। थैंक यू। आई लव इट। जब तक फबीहा इस घर में रहेगी वो अरहम को बच्चों के करीब कभी नहीं आने देगी। इसी तरह के हजार बहाने बना के अरहम को इन्वॉल्व रखेगी। अरहम को क्यों समझ नहीं आ रही किस तरह की बातें बच्चों के दिमाग पे बुरा असर छोड़ेंगी। काश काश इस फबीहा को मैंने कभी अपनी जिंदगी में आने ही ना दिया होता। शौहर ही गया जो अपनी बीवी की ख्वाहिशों पर नजर ना रखे। अरहम को तो एहसास ही नहीं रहा अपनी जिम्मेदारियों का। अरहम ने तो कभी कभी नहीं सोचा कि उसका रवैया उसका जज्बाती पन हम सब के लिए अच्छा नहीं रहा। मगर मैं कैसे इतनी लापरवाह हो गई अपने मसलों में ऐसी उलझी कि बच्चों पर ध्यान नहीं दिया। मैं कैसे इतनी बेखबर हो गई। मुझे बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर आराम से बात करनी होगी। बहुत वक्त लग गया इस लम्हे का इंतजार करते करते। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। और अब तुम घर के काम नहीं करोगी, मैं सनाया से कहूंगा तुम्हारे लिए कोई हेल्प अरेंज करे। अरे प्रियंका बहुत दिन हो गए आपने मेरे लिए सैंडविच नहीं बनाया। फबीहा प्लीज बना देना। आप मैं करता हूँ तुम्हारे सैंडविच का कुछ। ओ वाह इतने सारे न्यूज टॉय। ये आपके टॉयज नहीं है, आपके टॉयज अभी बाबा लेकर आएंगे। ठीक है अब मजाक कर रहे हैं ना बाबा। मजाक नहीं कर रहा, आपके लिए न्यू एल्सा भी आ जाएगी और आपके लिए बड़ी वाली गाड़ी भी आ जाएगी प्रॉमिस। फिर ये किसके हैं बाबा? हमारे अलावा कौन है इस घर में बच्चा बाबा? आप दोनों को पता है इस घर में न्यू मेंबर आने वाला है, बिल्कुल हादी की तरह छोटा सा प्यारा सा। हमारे घर में कोई क्यों आएगा फबीहा आंटी? हरीम ऐसे क्यों कह रही हैं आप? हरीम
ये हमारा घर है, हम अपने घर में किसी को आने नहीं देंगे। हरीम बेटा बुरी बात, सॉरी बोलो। नहीं बोला मुझे सॉरी। हरीम गंदी है सभी आंटी, उन्होंने आपको हमसे दूर कर दिया बाबा। हरीम आउट। बच्चों की सोच देखी आपने, मैं मान ही नहीं सकती बच्चे कुछ ऐसा बोल सकते हैं। सनाया बच्चों को हम दोनों के खिलाफ भड़का रही है। चले मेरा तो समझ में आता है, लेकिन आपके खिलाफ क्यों? वो आपके भी बच्चे हैं, उनकी अकेली के बच्चे थोड़ी हैं। बकौल उनके मेरी वजह से बच्चों के जहन पर बुरा असर पड़ रहा है, लेकिन वो खुद माँ होने के बावजूद बच्चों को हम दोनों के खिलाफ भड़का रही हैं, तो क्या इससे उनकी शख्सियत खराब नहीं हो रही है? अभी ये बच्चा इस दुनिया में आया भी नहीं है और अरहीन ये सब सोच रही है, जब आ जाएगा तो सनाया तो बच्चों को दुश्मन बना देगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा फबिया, जैसे आदि और अरहीन मेरी जिम्मेदारी है वैसे ही आने वाला बच्चा भी। इसकी जिम्मेदारी मेरी है। इसके हक की भी जिम्मेदारी मेरी है। तुम फिक्र मत करो। फिर भी यार मैं हरीम की बातें सुनने के बाद बहुत डर गई हूं। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हरीम तो बच्ची है तुम जानती हो। मैं हरीम की बातों से नहीं डरी हूं, मैं सनाया की प्लानिंग से डर रही हूं। मैं जानती हूँ वो बच्चों का इस्तेमाल करके मुझे इस घर से और आपकी जिंदगी से बाहर निकालना चाहती है। ऐसा नहीं है फबिया। ऐसा ही है राम। अगर मुझे सनाया की वजह से कोई भी इनसिक्योरिटी फील हुई ना, तो मैं अपने बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। पागल हो गई? ऐसा ही समझ ले। अच्छा रिलैक्स, मैं हूं तुम्हारे साथ, प्लीज कुछ नहीं होगा ऐसा। क्या बात है, आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? हमें बाबा ने डांटा है। क्यों डांटा है बाबा ने? बाबा ने ये टॉयस लाया और वो हमारे नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है, वो टॉयस आपके लिए ही होंगे गुड़िया। नहीं है वो हमारे, हमारे घर पे न्यू मेंबर आने वाले हैं। आपसे किसने कहा? सभी आंटी ने कहा। आप जिंक देना सभी आंटी को, गेट आउट कर दे। जी मामा, बिल्कुल ऐसे कहना चाहिए।